नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसमें सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, बाकी के मैं सॉल्यूशंस भी करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? देखिए गाइस, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हमको दो भागों में कोई चीज़ बट रही हो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तो पहला हिस्सा है और एक है दूसरा हिस्सा, जो कि पहले दिन और दूसरे दिन। तो इसमें जो भी आपको दिया हो रेशियो, जैसे 3:8 का दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, 4:5 का, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए और उतने ही पृष्ठ मान लीजिए। अब इनका एलसीएम मैंने लिया तो कितना आया, 40। अब मैंने मान लिया कि टोटल पृष्ठ कितने थे, 40 थे। अब देखिए इससे कैलकुलेशन में कितना आसानी हो जाएगी। तो 40 * में पहला हिस्सा कितना था, 3/8, 8 से काटूंगा कितने बार कटेगा, 5 बार, टोटल कितना हो गया, 15। ठीक है, अब 15 पेज तो इसने पहले दिन पढ़ लिए, तो अब बचे कितने, 40 में से 15 गए तो 25 बचे। ठीक है, अब 25 का क्या कह रहा है, दूसरा 4/5 दूसरे दिन पढ़ लेता है, तो 5 से फिर काटूंगा, 25 को कितना आ गया, 20। 15 ये पढ़ लिए, 20 ये पढ़ लिए, टोटल कितना था, 40, ये कितना हो रहा है, 35 सॉरी। अब बचा कितना, 5। ठीक है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 30 पृष्ठ बचे हैं, तो हमारा कितना बचा है, 5। तो 5 बराबर है 30 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के, और हमने टोटल कितना माना था, 40, तो टोटल कितने पेज निकल के आ गए, 240। तो ऑप्शन नंबर डी कैसा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइस इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो ये ओरल हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं। a + b + c = 0 दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, a + b, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग कर देना है। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। अगर आपको इसका वर्ग नहीं पता है तो गाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बराबर में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हमसे पूछी किसकी वैल्यू, a + b + c, a² + b² + c² की वैल्यू पूछी है। तो अब इस पोर्शन को कहाँ ले जाऊँगा मैं, इस साइड, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 2ab + bc + ca। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। ठीक है, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना कब हो जाएगी, यहाँ पे देखिए कितना था, 2 गुना। तो अब मुझे अगर इसका कितना बनाना हो, मुझे 8 गुना बनाना हो, तो 8 गुना बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 की पावर 3 लगानी होगी, तभी तो ये 8 गुना बनेगा। तो अब मैंने जब इसके 3 की पावर लगाई है, तो मैं 3 का इसमें भी इंटू करूं, तो कितना आ जाएगा, 3 * 3 बराबर कितना आएगा, 9 के। तो ऑप्शन नंबर कैसा, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमको इक्वेशन दे रखी है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखिए a + b दे रखा है और ये क्या है, a - b, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 - 2। क्या होता है इसका आइडेंटिटी, a + b की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a² - b², तो इसी तरीके से मैंने लगा दिया a² - b², यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, तो 1 - 2 - अब ये a + b रखा है, अब क्या आएगा ऊपर, a - v, तो माइनस का 1 - √2 + 1, माइनस लगाए तो प्लस का, प्लस कितना, √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहां पे देखिए 1 माइनस का और ये माइनस का 2, कितना बचेगा, माइनस का 1, कितना बचा हमारा, माइनस का 1, इसका ब्रैकेट खोला, -1 + √2 + 1 + √2। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, माइनस का 1। अब यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो देखिए, -1 से +1 कट रहा है, और ये कितना बन रहा है, -1 + √2, क्योंकि 1 √2 ये है और 1 √2 ये है, तो ये 2 √2 बन गया, -1।
अब ये देखिए हमको माइनस हटाना है तो ऊपर से क्या करना होगा, हमें माइनस कॉमन लेना होगा, तो 1 - √2 / -1, तो माइनस से माइनस अब कट जाएगा तो कितना बचा हमारा 1 - √2। ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 25 परीक्षा फलों का औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, उनमें से पहले 12 का औसत कितना दे रखा है, 14, और अंतिम 12 का औसत कितना दे रखा है, 17। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एवरेज का, तो फटाक से कर लेते हैं। 25 × 18 कितना हुआ, 25 × 18 250, और कितना 200 450, और ये कितना हो गया 12 × 14 240, 240 और 24, सॉरी कितना हुआ 140, 140 और 24, 140 और 24 कितना हो गया 164। अब इसका कितना हो गया 12 × 17, 170 + 34 कितना हो गया 4, 204। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये कितना होगा 8 होगा ना, 168। अब ये टोटल कितना होगा, 12 का 1, 7 और 3 372 हो गया। ठीक है, ये कितना था 450 और ये कितना हो गया 372 हो गया, तो इनका गैप कितना है 78 का इसका गैप है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 13वां अंक था वही पूछा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। एक ठेकेदार अपने कर्मचारियों की संख्या में 11:7 का अनुपात में कम कर देता है, मतलब मैंने मान ली पहले उसकी संख्या कितनी थी, 11 थी, अब उसने कितनी कर दी है, 7 कर दी है, तथा उनकी मजदूरी में बढ़ा देता है, कितना, पहले मान लेता हूँ मैं 13 थी, अब कितना कर दिया इसने 15। ठीक है, पहले 13 थी, अब कितना कर दिया 15, उसकी कुल मजदूरी किस अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा सॉरी। तो अब यहाँ पे देखिए आप, पहले अगर मैं मान लेता हूँ 11 मजदूर काम कर रहे थे और वो एक 11 मजदूर को कितने का दे रहा था, 13 रुपये दे रहा था पर मजदूर को, तो टोटल कितना दे रहा था 143 इनका इंटू करना पड़ेगा मुझे। अब कितना दे रहा है 7 × 15, तो 7 × 15 कितना हुआ 105। ये तो आ गए इनके रेशियो, अगर हमसे पूछ लेता कि कितना प्रतिशत कम हुई तो हम इनका डिफरेंस निकाल के प्रतिशत निकाल देते, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 20 औरतें एक काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में करती हैं। 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। 20 वुमेन इंटू में 16 बराबर 16 मैन इंटू में 15, तो 16 से 16 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था मैन था, ये 5 से काट देते हैं 3 बार, और ये कितने बार जाएगा 4 बार, तो हमसे किसका पूछा है, मेल और फीमेल का पूछा है, तो मैन आदमी अपॉन वुमेन, तो मैन कितना है 4/3, तो रेशियो कितना निकल के आ गया 4:3 हमारा 3 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक आयत की लंबाई 10% घटा दी जाए तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उस आयत का क्षेत्रफल में कितना घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने कल भी कराया था कि अगर आप एक दुकानदार क्या करता है, एक एक चीज़ को बेचता है जिसमें 20% का कम कर देता है और फिर दूसरे को क्या कर देता है 20% बढ़ा के देता है, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे कि उसमें क्या करते हैं दोनों का इंटू कर देते हैं और क्या करते हैं 0.2 के आगे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 20% उसने कम हानि हुई और 20% का लाभ लिया, तो मैंने बताया था आपको इसका इंटू करेंगे तो 400 से 0.2 पहले लगा देंगे, और ये हमेशा कितना आता है 4 निकल कर आ गया, और ये हमेशा हानि निकल कर आती थी। ठीक है, तो इसी तरीके का ये सवाल है, 10 × 10 कितना आया 1। ठीक है, 2 जीरो से पहले हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव यानी पॉइंट लगा देंगे, और ये क्या निकल के आएगी कमी निकल के आएगी, तो 1% की कमी निकल कर आ गई हमारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये दे रखा है इस अनुपात को किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 की पावर कितना दे रखा है 1.5 / 2 की पावर 0.5, इसके पॉइंट्स को हटा लेते हैं, कितना आएगा 2 15/10। इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पे रेशियो में कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको नीचे लेके जाता हूँ तो 0.5/10, ये हट गया पॉइंट, यहाँ से भी हट गया,
अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे नीचे वाले सेम होते हैं तो पावर्स कैसी होती हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 15 अपॉन 10 माइनस कितना 5 अपॉन 10, रेशियो में कितना था 1, तो कितना बचेगा 5 10 अपॉन 10 रेशियो में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 की पावर 1 रेशियो 1, तो 2 की पावर 2 रेशियो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, x प्लस वाई मैंने मान लिया दो संख्याएं थी जिनका योग दे रखा था 40, उनका अंतर कितना दे रखा है 4, x माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है 4, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना निकल के आएगी 44, x बराबर कितना निकल के आ गया मेरा 22 निकल के आ गया। ठीक है, तो फटाक से मैं y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ, जब कहीं पे भी रख लूँ किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने मान लो रख लिया x बराबर कितना हुआ 22, अब 4 इधर जाएगा और 22 इधर, तो कितना बचेगा 22 में से 4 गए तो कितना बचेगा 18, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 18। अब मुझसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का अनुपात, तो 22 अनुपात 18 का निकाल लूँगा मैं फटाफट, 11 और ये कितना 9, दो से काटा है मैंने 11:9 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा मैं, शायद ही कोई टीचर इस तरीके से कराया हो। कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर कितने 12.5% का लाभ होता। पहले क्या कह रहा है, कोई वस्तु 10% की हानि पे बेची गई, अगर उसमें हम 9 रुपये और बढ़ा के बेचते तो उसको 12.5% का लाभ हो जाता। अब हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस बताइए, तो अगर मैं मानूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है 10% मैंने आपको बताया था, इनको जब भी आप दे रखा हो तुरंत इनके रेशियो में बदल लीजिए, तो 10% दे रखा है, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, कितना बचा 10, नीचे वाला क्या बताया था मैंने कॉस्ट प्राइस होता है, तो यहाँ पे 1 की हानि हुई है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10, 1 की हानि हुई मतलब बेच कितने का रहा है 9 का। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है 12.5% का लाभ, मतलब 25/200 तो ये कितना आ गया 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया 8 उसकी वो थी, क्या थी कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने का उसने 9 का, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए इनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो तो सेम होनी चाहिए ना, यहाँ पे क्या है डिफरेंस निकल के आ रही है, यहाँ 10 निकल के आ रहा है यहाँ पे 8, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फटाक सीना बराबर किया तो कितना आया 80 और 80, ये इसका इसमें कि एक रेशियो में किया है तो दूसरे रेशियो में मुझे 8 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा इसमें कितने का करेंगे 10 का, तो ये कितना आएगा हमारा यहाँ पे 72 और ये कितना आ जाएगा हमारा 90, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 18 का, 18 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी मिली हमें 1/2 मिल गई। अब हमने मानी कितनी थी 80 मानी थी कॉस्ट प्राइस, तो हमारी रियल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 40 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, नहीं तो आप ओरल ही इनको करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 20% और 10% की क्रमिक छूट देनी है, आपको पता होगा a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है फॉर्मूला, तुरंत से लगा देंगे 20 प्लस 10 माइनस 200 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 28% निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक धावक 20 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में कवर कर लेता है, 24 सेकंड में पूरी कर लेता है, उसकी चाल बतानी है किलोमीटर में, तो वैसे अगर मैं चाल निकालता तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करता, अब मुझे किस में चेंज करना है मीटर पर सेकंड से किस में चेंज करना है मुझे किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि जब इसको चेंज करते हैं छोटे से बड़े में तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, बड़े का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है ये किसका इंटू करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ये काट दिया मैंने 4 बार, 4 से ये काट दिए 6 बार, 6 से 18 काट दिए 3 बार, तो कितना आ गया हमारा 30 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बचा था 10 और ये कितना था 3, तो 30 किलोमीटर पर आर हमारी स्पीड निकल कर आ जाएगी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की लेंथ कितनी दी रखी है, 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आदमी खड़ा हो या फिर कोई लट्ठा खड़ा हो या फिर कोई पेड़ खड़ा हो तो उसकी लंबाई को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कैलकुलेट किसकी किया जाता है, प्लेटफार्म हो या फिर ट्रेन हो तो इनकी लंबाइयों को हम ऐड करते हैं, और अगर पेड़ आदमी या फिर कोई खंबा वगैरह खड़ा होता है तो इनकी लंबाइयों को ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 125, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में। पूछा किस में, देखिए सारे ऑप्शंस किस में, किलोमीटर पर आर में, तो मुझको भी क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से इसको काटूंगा तो कितने बार करेगा, 25, 5 और ये कितना 6, 6 से ये काटेंगे 3, तो कितना निकल के आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, और उनका मासा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो उनका लासा बताना है हमको। देखिए यहाँ पे क्या है, लासा मासा कब आता है, आपको पता होगा जब हम दोनों वैल्यू का कॉमन लेते हैं तो तभी तो हमें मासा मिलता है, और लासा के लिए क्या होता है, हम सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब लासा मिलता है। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 3×4×4 तो क्या मिल जाएगा, मुझे लासा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3×4 = 12, 12×4 = 48, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है रहीम ने एक टीवी उसके सूचित मूल से 20% छूट पर खरीदी। कोई बात नहीं है, 20% रहीम ने एक टीवी खरीदी है, 20% छूट पर खरीदी है। यदि उसने 25% छूट पर खरीदी होती, अब क्या कह रहा है, यदि उसने 25% छूट पर खरीदी होती, 20 पर खरीदी है, यदि उसने 25 पर खरीदी तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 500 रुपये का प्रॉफिट होता, और बचा लिए होते, मतलब उसने 500 रुपये और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने यह टीवी कितने रुपए की खरीदी, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, ये 20 है और ये कितना है, 25, तो कितने का अंतर आया, 5 का, तो 5:1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 500, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा 5:1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है, या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर किसी की मूल कितना था, 100 मान लूँ मैं, ठीक है, तो पहले कितने का वो बेच रहा खरीद रहा था, 80 रुपये का, या फिर ये बेच रहा था और ये खरीद रहा था, अब उसने कितने का खरीदा, 75 का, तो इनका भी अंतर कितने का आया, 5 का, तो 5:1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 500, तो 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और माना कितना था मैंने, 100, तो इंटू में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसके वर्तमान संख्या कितनी है, 4410 है, तो वर्ष दो वर्ष पूर्व कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, कितना दो वर्ष पहले बढ़ के आई होगी ना, 5% प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है, तो 5% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/20, तो 20 क्या होगी मेरी मेन वैल्यू, और कितना बढ़ रही है हर साल, 1 बढ़ रही है, तो 21/20 इंटू में 21/20 बराबर कितना बढ़ के आ गई है, 4410 बढ़ के आ गई है। ये आपको 21 से काटेंगे तो 21 बार कटेगा, फिर 21 से काटेंगे तो 21 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, ये कितना हो गया 400, और 10 का इंटू यहाँ पे करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4000 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंक कितने चाहिए, 33% चाहिए, मतलब एक्स कोई हमने मान लिया, कोई एक्स उसको मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, उसका 33% आ जाता, उसका 33% आ जाता तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। आगे क्या कहता है, उसे 125 अंक मिले प्राप्त हुए तथा 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर उसको 125 अंक मिले हैं, 40 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है, तो मैंने मान लिया 33% बन जाता उसका, तो ये कितना हो गया, 33x/100, ये कितना हो गया, 165, इसको काटता हूँ मैं कितने, किससे, 3 से काट लेता हूँ, चलो 5 और 5, ये कितने बार कट गया, 11 से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ गई x की वैल्यू मेरी, 500, यही क्या होंगे, अधिकतम अंक होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, ए की आय बी से कितना है, 10% अधिक है,
तो एक ही आय मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, बेस वैल्यू कितनी हो गई हमारी पहले वाली और एक अधिक हो गई, तो एक ही आय बी से कितना हो गई? अगर मैं मान लेता हूँ बी की 10 थी तो एक ही कितनी है, एक अधिक है मतलब 11 है। अब हमसे क्या पूछा, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना कम है, एक कम है, तो एक बट्टे किससे, ए से पूछा है, तो एक बट्टे 11 इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100/11 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एक्स अपॉन वाई बराबर दे रखा है 2/1 के, और हमको यहाँ पे पुट करना है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सा आपको क्या करना होगा, x की जगह 2 रखना होगा, y की जगह 1 रखना होगा, तो फटाक से रख देते हैं x की जगह 2 और y की जगह 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 × 4 − 13 × 2 + 6, तो ये कितना बना 40 − 26 + 6, तो यहाँ पे पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ गया हमारा 26, माइनस के 26 ये कट गए, प्लस का 26 और माइनस का 26, आंसर कितना आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 210 है, मतलब क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना दे रखा है मुझको, 210 दे रखा है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है, तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको फॉर्मूला पता होगा कि लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, लाभ प्रतिशत देता है बराबर में जो भी प्रॉफिट आता है वो अपॉन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, तो सिंपल सा यहाँ पे रख दिए, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 25, प्रॉफिट कितना दे रखा है 210, प्रॉफिट क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पे कितना आ गया 210, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, तो इससे काटेंगे आप 25 × 100, तो ये कितना निकल के आ जाएगी सीपी, 0, 4 और 8। अब हमारी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई, 840 निकल कर आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य बताने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, 840 में 25% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 125% निकालना पड़ेगा, तो 5 बार और ये कितने बार, 4 बार, 4 से काटूंगा तो 2, 1, 0 कितना आ जाएगा, 1050, ठीक है, 1050 क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, तपस माहिर से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, ये मान लिया तपस है और ये क्या है, माहिर है, दोगुनी तेजी से काम कर रहा है, मतलब अगर माहिर एक कर रहा है तो तपस कितना कर रहा है, 2, ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, इनकी कार्य क्षमता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, तो आपको पता होगा जब हम इस तरीके से करते हैं, जैसे ए का हमें मान लीजिए 10 दिन दे रखा है, बी का कितना दिन दे रखा है, 20 दिन दे रखा है, तो हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते थे, 20 आ गया। अब ये जो यहाँ पे निकल के आएगा 2 और 1, ये क्या होता था इनका एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तपस कर रहे हैं 2 यूनिट और मिहिर कर रहे हैं 1 यूनिट, टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन, तो टोटल कितना हो गया, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 × 12, टोटल कितना काम किया होगा, 36 यूनिट काम किया होगा। अब क्या पूछ रहा है, तपस अकेला उस काम को करे तो कितने दिन लेगा, मतलब तपस एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 36 यूनिट डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में कर लेगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, किसी धनराशि साधारण ब्याज मूलधन के कितना है, 1/9 के बराबर है, तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक दर प्रतिशत कैसे हैं, बराबर, मतलब जो टाइम है और जो रेट है वो कैसी है, बराबर है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ जो हमारा प्रिंसिपल है वो 9 है, तो SI कितना हो जाएगा, 1, और ये रेट हमारे दोनों बराबर हैं तो R स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, अपॉन कितना होता है 100, तो यहाँ पे से R स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 100/9 बराबर R स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 10/3, तो इसका डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3:3 सही 1/3%, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत कितना दे रखा है, 25,
तो एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत कितना दे रखा है हमको, 25, मतलब 100 हो गया। जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत कितना दे रखा है, 25.5, 25.5। तो ये तो 100 हो गया, और इसमें 2 और बढ़ा दो, 0.5 का इसमें करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 102। ठीक है, यदि पूरे सप्ताह का उच्चतम तापमान कितना है, 25.2 है, मतलब पूरे सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, 7 गुणा 25.2 कितना हो गया अब ये, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, और 7 दूनी 14, 175, और कितना हो गया, 175, और 1.4 कितना आया, 467, कितना आ गया, 176.8 आ गया। ठीक है, और यहाँ से टोटल कितना 8 दिन का निकल के आया हमारा, और ये कितने दिन का था, 7 दिन का, तो एक दिन का जो चौथे दिन का निकला है वो कितना निकलेगा देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 022, 202, और ये कितना था, 76। तो 202 में से कितना घटाना होगा मुझे, 176.4, तो ये घटाऊंगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा, 520, तो कितना आएगा, 25.6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक 50 विद्यार्थी की कक्षा में 23 अंग्रेजी, 15 हिंदी, 18 विद्यार्थी पंजाबी भाषा बोलते हैं, 3 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, 6 विद्यार्थी केवल हिंदी व पंजाबी बोलते हैं, और 6 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं, 9 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। ठीक है, तो इनका रेशियो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये मान लिया मैंने इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, और ये पंजाबी हो गया। हमसे सबसे पहले क्या कहा, 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी हो गया, इंग्लिश ये हो गया, और हिंदी ये हो गया। तो कौन कितने बोल रहे हैं, 3 विद्यार्थी बोल रहे हैं, 6 विद्यार्थी केवल हिंदी व पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी व पंजाबी कितने बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, केवल 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9, जो केवल अंग्रेजी ही अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी तीनों भाषाएं बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पे आना है वो पूछा है हमसे, और टोटल कितने थे, अगर मैं टोटल में से इसमें से अंग्रेजी में वैसे घटा दूँ, अंग्रेजी वाले कितने थे, 23, 23 में से कितने घटाऊँ मैं, पहले तो केवल इंग्लिश वाले घटा दूँ, केवल इंग्लिश वाले, प्लस जो हिंदी और इंग्लिश के थे वो कितने थे, हिंदी प्लस इंग्लिश वाले प्लस और हिंदी प्लस पंजाबी वाले घटा दूंगा, तो कितने आते हैं देखते हैं, 23 माइनस कितने थे, 9, और हिंदी इंग्लिश के कितने थे, 3, और ये कितने थे, 6, तो ये कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 23 में से 18 गए, कितने बचे, 5। तो ये कैसे होंगे, 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल तीनों भाषाएं बोलते होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा ये 51 हमारा गलत लिखा हुआ है, 5 कैसे होंगे सही होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दिया करें। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।